हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं एनसीईओ ओलंपियाड वर्क बुक क्लास 3rd के लिए ओलंपियाड की चैप्टर वाइज वर्कशीट लेकर आ रही हूँ। इससे पहले मैंने फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स चैप्टर्स पर एक वीडियो बना चुके हैं। अगर उसे अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर अवश्य देखिए, फिर आप ये एनसीईओ ओलंपियाड वर्क बुक की चैप्टर वाइज वर्कशीट एंड सैम्पल पेपर पार्ट 2 देखें, जिसमें हमारा चैप्टर रहेगा फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। चैप्टर 1 फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर पार्ट 2, इसमें मैंने 20 तक क्वेश्चन बना चुकी हूँ और आज से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ऑप्शन ए, स्कैनर इज एन इमेज डॉक्यूमेंट स्कैनिंग डिवाइस। बी, ब्लू रे डिस्क इज यूज एज ए मेन मेमोरी इन कंप्यूटर। सी, रोम इज ए परमानेंट मेमोरी। डी, एक्सिलरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी मेमोरी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ब्लू रे डिस्क इज अ हाई स्पीड ऑप्शनल स्टोरेज मीडियम। इट इज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस एंड हैंस इट कैन नॉट बी यूज एज ए प्राइमरी मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 22, यू कैन रिकॉर्ड योर वॉइस और अदर साउंड ऑन टू द कंप्यूटर वेन यू स्पीक ओवर अ। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ए माइक्रोफोन इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग ऑडियो डेटा फॉर गिविंग वॉइस कमांड। क्वेश्चन नंबर 23, अ इज ए लाइट सेंसिटिव डिवाइस विच वॉज यूज विथ द सीआरटी मॉनिटर ऑफ ए कंप्यूटर। इट अलाउ द यूजर टू ड्रॉ ऑन द स्क्रीन। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, लाइट पेंट वेयर अर्ली फ्रॉम ऑफ द मैनिपुलेटिंग एंड हाईलाइटिंग डेटा ऑन द स्क्रीन। दे वेयर कॉमनली यूज विथ ग्राफिक टर्मिनल्स। क्वेश्चन नंबर 24, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज यूज टू इंटर डेटा कंटेनिंग सिम्बॉल्स नेम्स एंड मार्क इन अ कंप्यूटर। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अ कीबोर्ड हैज़ मेनी की विच कैन बी यूज टू इंटर नंबर्स अल्फाबेट स्पेशल सिम्बॉल इन टू अ कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 25, यू कैन लिसन टू म्यूजिक प्ले गेम्स एंड ड्रॉ पिक्चर यूजिंग अ कंप्यूटर। इट मीन्स कंप्यूटर कैन बी यूज फॉर ब्लैंक पर्पस। ऑप्शन ए, इंटरटेनमेंट, रिसर्च, सी, सिक्योरिटी, डी, ऑफिस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इंटरटेनमेंट। क्वेश्चन नंबर 26, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, column 1 एंड column 2। ऑप्शन ए, स्टोर्स इंफॉर्मेशन, क्लिक। बी, द आउटपुट सीन ऑन द पेपर स्कैनर। सी, टू प्रेस द लेफ्ट माउस बटन वंस एंड रिलीज हार्ड कॉपी। डी, द डिवाइस विच प्रोवाइड्स पावर टू कंप्यूटर इफ देयर इज ए पावर फेल्योर DVD। एंड ई, इट स्कैन इमेज एंड प्रिंटेड टेक्स्ट एंड कन्वर्ट इट इंटू डिजिटल इमेज UPS। इसके हम ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शंस इज ऑप्शन सी। तो चलिए इसको हम अरेंज करके फिर आपसे मिला के इसको बताते हैं। तो पेरेंट्स, इसे हमने मैच कर लिया है और अब इसके हम फिर से वापस पढ़ेंगे। ऑप्शन ए, स्टोर इंफॉर्मेशन, DVD, द आउटपुट सीन ऑन द पेपर हार्ड कॉपी,
to press the left mouse button once and release click. Then the device which provide power to the computer, if there is a power failure, is equal to UPS. It scan image and printed text and converts it into digital image, is equal to scanner. अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27. गिवन इमेज सो यूज द कंप्यूटर्स इन डिफेंस. फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन कंप्यूटर्स आर यूज इन डिफेंस. ऑप्शन ए कंट्रोलिंग अनमैनेड व्हीकल्स, बी कंट्रोलिंग द पोजिशन ऑफ मिसाइल अप टू गेट द टारगेट, सी कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ इक्विपमेंट, डी all of these. Correct answer is option D, all of these. Computer is defense are used for all the given tasks mentioned in option A, B and C. So option D is the correct answer. Question number 28. Designing the process of deciding the look of the something, and nowadays computers are used for designing. One can design blank using computers. Options A, B, C and D. Correct answer is option D, all of these. Question number 29. Which of the following cannot be used to microcomputers? Option A, B, C and D. Correct answer is option D. Device so in option D is of a magnetic tape which cannot be used in modern computer to store data. Question number 30. Which of the following statements are correct regarding the uses of computers in school? Option A, it can be used as a tutor. Second, it is used for maintaining student details. Third, it is used for diagnostic disease. Option A, only 3. B, both 1 and 2. C, both 2 and 3. D, 1, 2 and 3. Correct answer is option B, both 1 and 2. It can be used as a tutor and it is used for maintaining student details. Computer in schools are mainly used for teaching students and for maintaining student record and processing fee. Computers in hospital are used to diagnose disease. So, from the given uses, both 1 and 2 are correct. Question number 31. Which of the following cannot be considered as a characteristic of a computer? Option A, it can work without any instruction. B, it can perform variety of tasks. C, it can store large amount of data. And D, it can work for hours. Correct answer is option A. It can work without any instruction. Computers have no IQ, hence it is required to give instruction to the computer for work. Question number 32. Computers are used in engineering. Which of the following statement each are correct? Option A, it is not used for designing buildings. Second, it can only be used for communication. Third, it saves time to the process of engineering drawing. Correct answer is option B, only 3. It saves time in process of engineering drawings. Computer provide ready-made designs that help engineers to design a product is minimal time. Thus, it helps in saving the times of designing. Question number 33.
Which of the following statement each are incorrect? 1. Computer hardware is the collection of physical part of computer system. 2. Most of the big companies keep manual record for employee, their salary, etc. 3. Invoices are prepared by computers. Option A, only 2. Option B, both 1 and 3. Option C, both 2 and 3. Option D, 1, 2 and 3. Correct answer is option A, only 2. Most of the big companies keep manual record for employee, their salary, etc. This is incorrect statement. Question number 34. Select the correct statement about how computers are used at home. Option A, chat with family members, deciding about, listen to music and watch movie, book cinema tickets, rail tickets, air tickets, etc. Option A, both 1 and 2, B, both 2 and 3, C, both 1 and 3, and D, both 1, 2 and 3. Correct answer is option D, 1, 2 and 3 are correct. Question number 35. Computers help scientists in option A, launching rockets, B, scientific research, C, suffering in cyber cafe, D, both A and B. Correct answer is option D, both A and B, launching rocket and scientific research. Question number 36. Which of the following statement holds true about the given type of computing machine? Statement 1. It has a touch screen on which we can write using a special purpose pen. Statement 2. It is designed and developed to be kept only on the task. Option only statement 1, B only statement 2, C both statement 1 or statement 2, D neither statement 1 nor statement 2. Correct answer is option A, only statement 1. The image shown in the question in of the tablet computer, a tablet PC has a touch screen and is very compact in size. It is designed to be taken give everywhere with the user. So from the given statements, only statement 1 are true. Question number 37. Complete the given word and select the statement which is correct about it. It is a collection of fact. B. It is device that help us to point at and the select thing on the computer screen. C. It is responsible for carrying out of task. And D. Both A and B. This word complete is the PROCESSOR, processor. This is processor. So the complete word is processor. Its basic job is to receive input and provide the appropriate output after processing. So correct answer is option C. It is responsible for carrying out all tasks. Question number 34. In a computer, use feed the data using input device, which is then passed off the CPU for processing and the result to store and is displayed through output device. During all these tasks, the flow of data to and from the CPU is organized by option A, flash drive, B, keyboard, C, vacuum tube, D, control unit. Correct answer is option D, control unit. A control unit acts as a central nervous system for a computer. It guides the computer memory, arithmetic, logic unit, and input and output device how to respond to a program's instruction. Question number 39.
Select the incorrect match. Option A, the result display on the monitor screen, soft copy. B, output that is printed on paper using printed hard copy. C, computer understand instruction in the form of electric signals. D, performing calculation or comparing data is called storing. Correct answer is option D. D is the incorrect match. Performing calculations or comparing data is called processing. So option D is incorrect. So incorrect options. Question number 40. Which of the following statement is incorrect regarding the user of computer in bank? Option A, used in sign on check. B, used to issue monthly account statements. C, used to keep details of money deposit and withdrawn. And D, none of this. Correct answer is option A, used to sign on checks. A bank check is manually signed by the account holder only. Computers cannot be used to sign check. So option A is incorrect. आज के लिए इतना ही. आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं. साथ ही हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए. साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे. इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें. और हमने क्लास 3rd कंप्यूटर सब्जेक्ट की वीडियो लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है. उसे प्लीज़ जाकर एक बार अवश्य चेक करें. उसके बाद ही आप कंप्यूटर साइबर ओलंपियाड की वर्कशीट को सॉल्व करें. तब आपके कंप्यूटर्स के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.